मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मेरी राम राम। मुख्यमंत्री जी, मैं सुन रहा था कि आप एक बयान में कह रहे थे कि SYL पर आम आदमी पार्टी दोगली बातें करती है, दोगलेपन से ध्यान आया। मुख्यमंत्री जी, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा है, मुझे लगता है आपको भी जरूर देखना चाहिए ये वीडियो। हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद देंगे। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। कुछ समझ आया खट्टर साहब, कुछ पता लगा दोगलापन किसको कहते हैं? मुझे तो लगता है कि 2019 में जब मोदी जी हरियाणा में ये भाषण देके गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है हमारे हक का पानी बह करके, लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि 65% हिंदुस्तान के हक का पानी जो पाकिस्तान बह के जा रहा है उसको रोकने की किसी ने बात की है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हो गया, पंजाब हरियाणा और राजस्थान से पाकिस्तान में पानी बह के जा सकता है, लेकिन पंजाब को हरियाणा को और राजस्थान को वो पानी नहीं मिल सकता। ये आपकी पार्टी की नीतियां हैं, इसलिए दूसरे को मत समझाइए। और मुझे तो सुनील जाखड़ जी को आप जानते हैं क्या? मुझे लगा ये पंजाब के आपके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, शायद अध्यक्ष है ना मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो इनका ये ट्वीट देख रहा हूं, ये क्या ट्वीट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पंजाब डज नॉट हैव अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू शेयर, पीरियड। अरे आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सी बात करती है, आपका स्टैंड कुछ और है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कुछ और है। ये दोगलापन नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी का? मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के पास ऐसे बार बार मौके आए जब तीनों जगह पर आपकी पार्टी की सरकार थी या आपके एलआई पार्टनर की सरकार थी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी, क्यों नहीं किया आपने समाधान? आप इस समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन आप स्टेट्स को लड़ाते रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसी तरह से आप अगर देखें तो पाकिस्तान का से जो पानी, हिंदुस्तान के हक का पानी, हरियाणा राजस्थान पंजाब के हक का पानी जो हमको लाना था भारत में, वो आप नहीं लेके आए, आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। प्रधानमंत्री जी किसी मीटिंग में नहीं आते जो SYL के मुद्दे पर होती है, पंजाब और हरियाणा को लड़ने के लिए छोड़ दिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है वो यही कहा है कि केंद्र सरकार मध्यस्थता करे, केंद्र सरकार पानी उपलब्ध कराए, पंजाब को भी उपलब्ध कराए, हरियाणा को भी उपलब्ध कराए, राजस्थान को भी उपलब्ध कराए। हिंदुस्तान के किसी नागरिक को पानी की कमी होती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो पानी उपलब्ध कराना। 56 साल हो गए आपको इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करते हुए, इन मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए, लोगों को आपस में मत लड़ाइए, इन मुद्दों का समाधान निकालिए ताकि लोग आपको समाधान निकालने के याद करें। और दोगलेपन की बातें माफ कीजिएगा लेकिन आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। अगर फिर भी आपको लगता है, आप बार बार बोलते हैं स्टैंड क्लियर कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं हरियाणा निवास में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं हरियाणा भवन में, आप भी आ जाइएगा और मैं भी आ जाता हूं, हम अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देंगे और आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा। बताइए है मंजूर, आएंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप निर्णय करके बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।